मंच पर जिन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है वही चढ़ेंगे, हमारे पास सूची आ जाएगी। हम जिन लोगों का नाम बुलाएंगे वही मंच पर चढ़ेंगे। प्रताप सिंह जी और देवेंद्र गुप्ता जी, कितने लोगों को सूची हमारे पास आई है? उनके साथ आए, उन सभी से निवेदन है कि प्रांगण से बाहर आ जाए। कृपया ध्यान दें, मैं सूची पढ़कर सुना रहा हूं, वही लोग मंच पर रहेंगे। लगातार नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा रहते हुए वर्तमान में जिला के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हूं। आज जन विश्वास यात्रा का हजारों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। उस स्वागत कार्यक्रम में माननीय विधायक जी अर्चना पांडे जी के मामा गृह संजय चतुर्वेदी जी ने, हमारे पार्टी कार्यकर्ता शिवम चतुर्वेदी जी, सुशांत शुक्ला जी, जिला मंत्री किसान मोर्चा के साथ मारपीट की। और जब हम लोग मंच पर चढ़े, जब मैंने स्वयं मंच पर चढ़ने का प्रयास किया तो वहाँ रवि चतुर्वेदी जो उनके मामा लड़के हैं माननीय विधायक जी के, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। जबकि जिलाध्यक्ष जी से और जिला प्रभारी से बात हो गई थी कि जिला उपाध्यक्ष को मंच पर रहना है, उन्होंने जबरदस्ती मंच पर रोकने का प्रयास किया। और जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को मंच पर चढ़ाकर मुझ पर डंडा चलाया, जान से मारने की धमकी दी। और मैं ऊपर पार्टी के ऊपर के लोगों से उच्च पदों पर जो हैं उनसे बात करेंगे, उसके बाद कुछ बोलने लगी। जो रैली के दौरान एक जिला उपाध्यक्ष विपिन द्विवेदी के साथ हाथापाई हुई है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, आज की जो घटना हुई है जिला उपाध्यक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से पीटा उसे, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के बीच में धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये वर्चस्व की लड़ाई है छिबरामऊ में, केवल वसूली, जो वसूली के अड्डे भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक बना रखे हैं, चाहे थाने हों, चाहे वो तहसीलें हों, चाहे पावर हाउस हों, चाहे हमारे प्रधान हों, चाहे कोठेदार हों, इन पे जो महीना बंदी के तहत जो वसूली की जा रही थी, उसी वर्चस्व को लेकर आज झगड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नया आज उदाहरण नहीं है। बड़े बड़े मंचों पर आपने देखा होगा सांसद और विधायकों का जूता वर्चस्व को लेकर चल जाता है। केवल भारतीय जनता पार्टी में वसूली का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, वही बात छिबरामऊ विधानसभा में बस अड्डों को लेकर और तमाम जो और दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उन दफ्तरों पर कैसे कब्जा किस गुटखा कायम हो पाए उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में छिबरामऊ में मारपीट आज हुई है। मैं कहना बाकी देखिए, मारपीट हुई है, मुझे जानकारी मालूम है किसने मारा है, पीटा है किसने, वो आप जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहतर बता पाएंगे, उनसे आप बात करिए, वो बताएंगे। अर्चना के गुट ने मारपीट की है या विपिन द्विवेदी जो यहाँ के नेता भाजपा के, कि उनके गुट ने मारपीट की है या किसी थर्ड आदमी ने मारपीट की, किसने मारा पीटा है ये जानकारी हमको नहीं है। लेकिन ये वर्चस्व वसूली को लेकर यहाँ छिबरामऊ में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर छिड़ी हुई है।